करनाल में जेजेपी नेता मोहसिन चौधरी के निवास स्थान पर जेजेपी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर बरसे। दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नई आबकारी नीति से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पेट में दर्द हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जेब में अवैध शराब का गोरख धंधा करने वाले पैसे डाल रहे हैं, इसलिए हुड्डा आवाज उठा रहे हैं। हुड्डा को राजनीतिक दंगल में भी हराया और बहस के दंगल में भी हराएंगे। दिग्विजय चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की बातें वो लोग करते हैं जो खरीद फरोख्त करते हैं। कांग्रेस के भी विधानसभा चुनावों में 40 सीटें आई थी, सबको मालूम है कि उन्होंने कैसे जोड़ तोड़ के सरकार बनाई थी। हमने गठबंधन इसलिए किया क्योंकि हम लोगों के भले के लिए काम करवाना चाहते हैं। वहीं अभय चौटाला पर उन्होंने कहा कि हम आज भी उनका सम्मान करते हैं, हम सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं, वो जेजेपी पार्टी में आते हैं। इस बात को लेकर अभय चौटाला को खुद को विचार करना है। विधानसभा बजट को लेकर दिग्विजय ने कहा कि इस बार का बजट जब मनोहर लाल खट्टर अपना पिटारा खोलेंगे तो किसान मजदूर और बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। बजट सच चल रहा है और जेजेपी ने भी कई वायदे किए थे, उन वायदों पर कितना खरा उतरेगा इस बार का बजट, आपको क्या लगता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार का पहला बजट जो है मनोहर लाल जी जब सुनाएंगे तो हरियाणा प्रदेश की जनता चेहरों पर खुशहाली, समृद्धि और हरियाणा खुशहाल होगा, ऐसी उम्मीद लेकर के गरीब किसान, कमेरे मजदूर और विशेष तौर पर बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए मनोहर लाल जी का जो पिटारा है इस पर खुशियां लेकर के आए। आबकारी नीति आई है नई जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम खिलाड़ी बनाना चाहते हैं हर घर से, लेकिन नशेड़ी बनाने की बात कर रही है जेजेपी जी। मैं, आप तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, भूपेंद्र हुड्डा की मुझे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का नहीं पता। राजनीतिक तौर पर तो जनता के आशीर्वाद से दो बार मुख्यमंत्री बन गए, या तो वो सिर्फ बरगलाना चाहते हैं या वो असली में ना समझे। मैं आप ही से पूछता हूँ, जो क्वांटिटी भूपेंद्र हुड्डा के ज़माने में इंडिविजुअल को रखने की इजाज़त थी, हमने उस क्वांटिटी को कम कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं, ये हमने अच्छा किया या बुरा किया? भूपेंद्र हुड्डा के ज़माने में 200 रुपये का लाइसेंस मिलता था घर में शराब रखने का, किसी को परोसने का नहीं। हमने 200 से बढ़ा के 1000 कर दिया। 1000 करेंगे तो मुनाफा सरकार का ज़्यादा हुआ या कम हुआ? और 200 रुपये तो कोई भी दे सकता है, 1000 देते हुए जोर आएगा कि नहीं आएगा? भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं, ये हमने ठीक किया या नहीं किया? भूपेंद्र हुड्डा ये बताएं कि हमने जो 1200 गांव के अंदर शराबबंदी करवाई और भूपेंद्र हुड्डा के हलके के अंदर सबसे कम हुई, इसका मतलब वहाँ का चुनाव प्रतिनिधि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अपने इलाके के लोगों को समझाने में नाकामयाब रहा कि दुष्यंत चौटाला की जो पॉलिसी है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाओ, लिख के पंचायती तौर पे दे दो, ठेके बंद हो जाएंगे। जींद के और अन्य जिलों के ऐसे आपके करनाल के बहुत से अच्छे सामाजिक गाँव के फैसले हैं जिसके कारण ऐतिहासिक ये कदम दुष्यंत का जो कारगर साबित हुआ। 1200 से ज़्यादा ठेके बंद हो गए और वो खुलेंगे भी नहीं। हमारा तो ये लक्ष्य है कि अगर जहाँ दिक्कत है वहाँ सारी जगह बंद हो जाए। अगर हरियाणा के 6700 गांवों में शराब से दिक्कत है तो गांव की आधी से ज़्यादा जो लोग हैं वो लिख के दे दें तो हम बंद कर देंगे। तो भूपेंद्र हुड्डा ये बताइए, हमने अच्छा किया है बुरा किया? भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोगों की बड़ी दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये जो डिस्टिलरीज गोरख धंधा चला रहे थे, दो नंबर की शराब बेच रहे थे, और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जिनको हम शराब का अवैध कारोबारी के नाम से जानते हैं, दुष्यंत चौटाला ने इस सरकार में एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए उन पर चूड़ी चढ़ा दी, लगाम लगा दी। ये तो आप महसूस करते हैं कि नहीं? एक आम चर्चा है कि जितने डिस्टिलर हैं वो दो नंबर की शराब नहीं बेच पा रहे, जिसमें महीने महीने में उनको एक डिस्टिलरी को 15-16 डिस्टिलरी हैं, एक डिस्टिलरी को कई कई करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये हमने अच्छा किया या गलत किया, भूपेंद्र हुड्डा बताएं। तो अब वो क्या है कि वो सारे कॉरपोरेट लोग हैं,
और भूपेंद्र हुड्डा कॉरपोरेट आदमी हैं, जैसे पहले बिजनेस किया करते थे वैसे ही अब उनके, तो ये जो भूपेंद्र हुड्डा के पेट का दर्द है, या तो ये शराब का दर्द है या ये उनकी ब्लैक मार्केटिंग का हुए नुकसान का दर्द है, तो वो दो नंबर का पैसा भूपेंद्र हुड्डा की जेब में जा रहा है। भाई तू शोर मचा इस दुष्यंत की पॉलिसी के खिलाफ, आज उनकी दुकानें बंद हो गई इसलिए भूपेंद्र हुड्डा त्राही त्राही और कांग्रेस के लोग हाहाकार मचा रहे हैं। ये जो भी आवाज़ इस एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ उठाएगा चाहे वो कोई भी हो, इसका मतलब उसकी जेब में ये दो नंबर वाले लोगों का माल गया है। इसलिए दिस इज द बेस्ट एवर एक्साइज पॉलिसी, और हमें इस एक्साइज पॉलिसी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। दो नंबर का काम बंद होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, 6,700 करोड़ था दुष्यंत का लक्ष्य है, 5 साल में हरियाणा का रेवेन्यू 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा शराब से जाए। तो दूध दही का खाना हरियाणा तब बनेगा जब हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार के पास देने को रेवेन्यू स्पोर्ट्स को होगा, और रेवेन्यू तब आएगा जब रेवेन्यू कलेक्शन दो नंबर के लोगों की जेब में और भूपेंद्र हुड्डा की जेब में नहीं सरकार की जेब में जाएगी। दुष्यंत चौटाला ठीक कर रहे हैं और हमें कोई दोराय नहीं, ये क्रिटिसिज्म तो चलता रहता राजनीति में, इनके क्रिटिसिज्म का हम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग नहीं है, ये लोकदल वो लोकदल नहीं रही जो सोचा करता भूपेंद्र हुड्डा, अब पढ़े लिखे समझदारों से पाला पड़ गया। भूपेंद्र हुड्डा को हमने राजनीतिक दंगल में भी सबक सिखा दिया और अब ये जो बहस का दंगल है इसमें भी सबक सिखाएंगे। 10 सीटें आई जेजेपी की, सरकार है गठबंधन की, आपका राज्यसभा जाने का कोई इरादा या पार्टी ऐसा है? ये तो एक हाइपोथेटिकल, किसी ने गलत अफवाह फैला दी। मेरी उम्र जो है वो अब 29-30 साल, 30 से तो ऊपर का चाहिए राज्यसभा में जो एज का, वो मैं तो वैसे ही उसके लिए वो नहीं हूँ। ये तो किसी ने वैसे ही चर्चा चला दी। राज्यसभा का फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और सब सीनियर लीडर अजय सिंह जी के नेतृत्व में मिलकर करेंगे। अच्छा, कांग्रेस का ही बयान आया था कि 100 दिन अभी पीछे पूरे हुए थे कि काम सरकार ने नहीं किए हैं और ये जो गठबंधन की सरकार है इसे गिराने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही गिर जाएगी। ये गिराने की तोड़ने की बातें वो करते हैं जो खरीद फरोख्त की सोच रखते हैं। ये जो भी बातें इस तरह की कर रहे हैं ये सब जिनने 40 सीटों के साथ, भूपेंद्र हुड्डा की भी एक जमाने में 40 सीटें आई थी कांग्रेस की, और कैसे जोड़ तोड़ से सरकारें बनाई थी वो सारी दुनिया जानती है, ये उनकी इक्वेशन होती होगी। हम आइडियोलॉजिकली विचारों पर और लोगों के मुद्दों पर सरकार में शामिल हुए हैं। हम बीजेपी के भी खिलाफ चुनाव लड़े और कांग्रेस के भी खिलाफ चुनाव लड़े। आज हम बीजेपी के साथ इसलिए शामिल हुए क्योंकि बीजेपी ने हमारी वो जो 5-6 पॉइंट एजेंडा था उसको मान लिया, चाहे बुढ़ापा पेंशन थी, चाहे उसके अंदर 75% रोजगार की बात थी, किसानों के मुद्दे थे, गरीबों के मुद्दे थे, उन मुद्दों को मान लिया, इसलिए हम इस सरकार का हिस्सा बने हैं। और हम लोगों के भले के लिए, इनके मुंह से कितनी कड़वाहट निकले हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, हम तो लोगों के भले के लिए काम करेंगे क्योंकि लोगों के बीच में जाना है 5 साल के बाद। जेजेपी की 10 सीटें, इनेलो की 1 सीट, अस्तित्व जो है जेजेपी का बढ़ चुका है, चाहेंगे अभय जी भी अब बीजेपी या जेजेपी में आ जाएं और मजबूती और ज़्यादा मिले? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, ये उनका अपना मामला है पार्टी का और ये उनको स्वयं फैसला करना है। हम तो सकारात्मक लोग हैं, हमने तो इनेलो भी नहीं छोड़ी थी, हमें तो निकाल दिया गया, तो हम सब समान विचार के लोगों ने एक मिलकर फैसला किया भाई नहीं, यूं काम नहीं चलेगा। आज 15 साल हो गए, 15 साल 20 हो जाएंगे, 20 में तो एक जनरेशन बदल जाएगी, पीढ़ी बदल जाएगी, लोग ये आने वाली हमारे जो घरों के बच्चे हैं किसान कमेरे के, वो भूल जाएंगे कि चौधरी देवीलाल की पहचान क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। हम इस अस्तित्व को मिटने नहीं दे सकते, इसलिए हम जेजेपी बना करके हमने दमखम से लड़ाई लड़ी और उसके बलबूते पे 10 सीटें जीती। अब ये उनको देखना है कि उनने क्या करना है। आएंगे तो अच्छा रहे। हम तो सकारात्मक सोच लेके चलते हैं, आज भी उनका सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।